Then there are three beautiful dandelions out on the terrace. और फिर वो बोलते हैं कि हमारे जो terrace पे ना बहुत सुंदर सुंदर dandelions का मतलब होता है flowers जिनके ऊपर येलो कलर के flowers आते हैं. एक प्लांट होता है जिसके ऊपर येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं. तो वो बोल रहे हैं हमारे घर में इतनी थ्री बहुत सुंदर से dandelions है और वो जो कहाँ पे है टेरिस पे है. बट आई डोंट थिंक दे विल बी हेयर. और मैं सोचती कि वो यहाँ तो आ नहीं सकते अनटिल यू केम होम. इसलिए जब तक तुम घर नहीं आओगे, क्योंकि तुम घर नहीं आओगे तो जब तुम घर आओगे तभी तुम उनको यहाँ लेकर आओगे. और मैं चाहती हूँ कि वो नीचे आ जाएगी, लेकिन जब तक तुम घर नहीं आओगे तो वो आएंगे भी नहीं यहाँ पे नीचे. आई मैन हैव बीन डूइंग समथिंग टू द गार्डन. मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि एक आदमी है ना जो गार्डन में कुछ काम कर रहा है. ठीक है, आई वॉच देम. मैं देख रही हूँ क्लोजली पास में जाकर. बट आई वॉन्डर वॉट ही वॉज अबाउट. लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि वो कर क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा. आई हियर्ड योर फ्रेंड मेडिलाइन. मैंने तुम्हारी फ्रेंड जो है मेडिलाइन उसकी बात सुनी है. से यस्टरडे, वो कल कह रही थी दैट शी वॉज गोइंग टू राइट टू यू टुडे. और वो ये कह रही थी कि वो तुम्हें आज लेटर लिखेगी. ठीक है, आज तुम्हें लेटर लिखेगी. सो आई शेल रन अप द हिल नाउ एंड कैरी माई लेटर टू हर. और इसलिए मैं ना कहाँ भाग रही हूँ, हिल की तरफ भाग रही हूँ अभी. ठीक है, और अपना लेटर भी उसको देने जा रही हूँ. ठीक है, आई थिंक शी विल बी एस्टोनिश्ड व्हेन शी सीज मी. और मुझे लगता है कि जब वो मुझे देखेगी तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाएगी. फॉर आई एम वेरी श्योर. और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ दैट नो अदर कैट, कोई भी और दूसरी कैट नहीं है इस टाउन में, इस पूरी सिटी में नोज हाउ टू राइट. जिसको ये पता हो कि लिखना कैसे है. ठीक है, लिखते कैसे हैं. ठीक है, डू कम होम एज सून एज पॉसिबल. फिर वो लास्ट में लिखती है कि जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो प्लीज़ घर आ जाओ. ठीक है, योर अफेक्शनेट, तुम्हारी प्यारी जो जो. ठीक है, तो इस तरह से ये जो स्टोरी है वो आपकी फिनिश होती है. इसमें यही बताया गया है कि जो एक हमारे घर में जो पैट डॉग, पैट कुछ भी होता है, डॉग हो कैट हो, ठीक है, वो कितने ज़्यादा अटैच्ड हो जाती है उसके घर के मालिक से, जो उसको बहुत प्यार करता है, वो बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट होता है उससे. ठीक है, उसका ध्यान रखता है. तो ये जो कैट है यहाँ पे जो वो वापस अपने जो उसका फ्रेंड है, उस घर में रहने वाला कोई बच्चा है, वो उसको वापस बुलाना चाहती है, तो उसको लेटर लिखती है. ठीक है, दिस इज़ इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय बाय.